Hey guys, welcome back to my channel. It's me Niharika here with you today and it's Niharika here with you today. तो आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं दो दो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मेरे दोनों चैनल्स पे अपलोड होने वाला है, क्योंकि मेरे एक चैनल के सब्सक्राइबर्स अलग है और दूसरे चैनल के सब्सक्राइबर्स अलग है, तो इसीलिए. एंड आज मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर एक Q&A वीडियो डालने वाली हूँ. तो अभी वो वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, मैं शाम को वो रिकॉर्ड करूँगी या फिर अभी ही कुछ क्वेश्चन मैं ले रही हूँ. तो ठीक है, उसके इस मैसेज के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल भी है और इसमें सारे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, उसके लिए सॉरी. तो फर्स्ट एवर Q&A वीडियो है मेरा. तो ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैंने पोल डाला था, मतलब यू नो क्वेश्चन का बॉक्स आता है कि मुझे क्वेश्चन पूछो कि मेरे बारे में आप लोगों को क्या लगता है, उसको क्वेश्चन पूछो. और बैकग्राउंड ख़राब है और उसके लिए वेरी 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 सॉरी. तो आधा वीडियो आई थिंक मैं शाम को शूट करूँगी या फिर पूरा वीडियो मैं शाम को शूट करूँगी, लेकिन आप लोग वीडियो ज़रूर इन्जॉय करना एंड मुझे बताना अगर आप लोगों का पार्ट टू भी चाहिए. एंड मैं बहुत टाइम से Q&A वीडियो करने का सोच ही रही थी अपने दोनों चैनल्स पर अपलोड करने के लिए, तो फाइनली. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं उसका जवाब दूँ, स्पेशली यू नो ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन में. जब भी मैं इंस्टाग्राम पर लाइव रहती तभी भी क्वेश्चन पूछने बोलती सब लोगों, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन के लिए. और क्वेश्चन कोई मुझसे पूछे फिर मैं ऑनलाइन ही उसे जवाब दूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आज ही मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, मतलब कुछ नहीं, सारे क्वेश्चंस लिए जितने भी मुझे आए थे, और कुछ मैंने गूगल से भी लिए हैं. मतलब मैंने जनरली ऐसे ही Q&A क्वेश्चंस डाल दिया है और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, तो मैंने बस वो फ़न के लिए लिए है. ऐसा मत सोचना कि यू नो अलग अलग चीज़ें, ऐसे मत सोचना. मैंने जस्ट फॉर फन लिए वो क्वेश्चंस, और उसके पे मैं जवाब देने वाली हूँ. ऐसा नहीं है कि इसके जवाब नहीं दूँगी फन के लिए फिर भी. एंड सॉरी फॉर वंस अगेन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड पीछे का बैकग्राउंड के लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि यू नो अभी शांति है यहाँ पर, तो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप लोग समझ रहे हो ना. तो ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं अभी लेने वाली हूँ. और सबसे पहले अभी मैं लेने वाली हूँ गूगल के क्वेश्चंस. तो गूगल के क्वेश्चंस से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि गूगल के क्वेश्चंस ऐसे इन जनरल है और उनमें कोई यू नो टाइम पास के लिए मैंने कहा है, आप जस्ट फॉर फन. तो पहले हम गूगल के क्वेश्चन लेते हैं और शाम को मैं जो रिकॉर्डिंग करूँगी उसमें मेरे जो इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस होंगे. तो मुझे करीब करीब 2-3 लोगों ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछे, एक ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मेरे क्वेश्चंस आराम से बन गए. इस मोबाइल की वजह से आपको परेशानी हो रही है, सॉरी फॉर दैट. तो ठीक है, हम लोग जनरल क्वेश्चन से शुरू करते हैं गूगल के. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को इसका पार्ट टू चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और लाइक करना, शेयर करना मेरे वीडियोस बाकी लोगों से. एंड उन्हें भी कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और दूसरे को शेयर कर रहे हो. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप न्यू व्यूअर हो मेरे चैनल के. एंड अगर आप लोग मुझे नहीं पहचानते हो तो हाई, आई एम इट्स निहारिका एंड आई एम इट्स सिंपली निहारिका 2, क्योंकि यह वीडियो दोनों चैनल से अपलोड होने वाला है. तो इट्स निहारिका चैनल पर अगर कोई न्यू व्यूअर होगा तो हाई, आई एम इट्स निहारिका एंड या एंड इट्स सिंपली निहारिका पे अगर कोई न्यू व्यूअर होगा तो हाई, आई एम इट्स सिंपली निहारिका एंड ये मेरा दूसरा चैनल है. तो ज़रूर सब्सक्राइब करना इस पर, और इसमें मैं अपने पर्सनल कंटेंट्स अपलोड करती हूँ और इट्स निहारिका भी कंटेंट्स अपलोड करती हूँ पर्सनल. अब शुरू किया है मैंने, तो दोनों चैनल आप जरूर व्यू करो. और मेरी दोनों चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इट्स निहारिका और इट्स सिंपली निहारिका चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जरूर चेकआउट करना एंड दोनों चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरे. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. तो गाइस, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो मैं सबसे पहले यू नो खोल लूँ इसे, तो मैंने खोल लिया है. तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगी बेसिक क्वेश्चन से, जो कि मैंने कहा था गूगल. ओके, तो गूगल के क्वेश्चन कुछ ये हैं. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन शॉट दिख जाएगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर मेड समवन फेमस. तो इसका आंसर है नो, आई डिडंट मेट अभी तक. तो मैं किसी को नहीं मिली हूँ समवन वो जो फेमस होगा, लेकिन मुझे मिलना है एक किसी से, तो वो सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, तो वो मेरी फेवरेट मराठी एक्ट्रेस है एंड मुझे उससे मिलना है. ओके, और एक्टर से भी मिलना है एक. तो अभी तक तो मैं किसी फेमस पर्सन से मिली नहीं हूँ, यूट्यूब पकड़ लो
सेलिब्रिटी पकड़ लो या फिर ऐसा कोई भी फेमस पर्सन से अभी तक तो मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में मिले तो ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स बिगिन ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. वुड यू लाइक टू बी फेमस? येस, हर किसी को पसंद होता है कि वो फेमस हो, लाइक वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन हो जिस पर वो फेमस हो. और मुझे यूट्यूब पर फेमस होना है, इंस्टाग्राम टू. तो येस, आई वॉन्ट टू बी फेमस. उस क्वेश्चन मतलब ठीक है, कोई नहीं, आप गूगल से लिए तो कुछ बोल नहीं सकते हमें से. ओके नेक्स्ट, बिगिन ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग दैट हैपेंड, वॉट वुड इट बी? तो इसका जवाब मैंने पहले से तैयार करके रखा था, मतलब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था जवाब तैयार करते समय कि यू नो मैं क्या चेंज कर सकती हूँ. तो फिर मुझे आ रहा, तो कभी कभी मैं किसी किसी से यू नो व्हाट्सएप पर झगड़ लेती हूँ. ऐसा नहीं मैं झगड़ू, लेकिन होती रहती है ना अनबन ऐसी, तो मैं कभी कभी जैसे मैं नेचुरली झगड़ लेती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ. पर्सनली फ्रेंड्स के साथ मैं मतलब कभी कभी फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम जागृति है, तो उसको एक सिबलिंग्स, सो सिबलिंग्स है उसकी सिस्टर और उसका भाई. तो कभी कभी जागृति नहीं होती है, मतलब वो ऑनलाइन नहीं होती है, तो उसका भाई या फिर उसकी सिस्टर ले लेती है मोबाइल को. और हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे पूरे फ्रेंड्स का, तो उस पर कुछ भी टाइप कर लेती है और सब लोग के बारे में बुरा भला कह देती है. एक बार ऐसा हुआ था, और फिर ना मैंने इतना सुनाया उसको, इतना सुनाया, तो तभी मैं सुना रही थी ना जब, तो मुझे अच्छे से पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब तभी मैं क्या चेंज करना चाहती हूँ कि मतलब मुझे उस टाइम पे जो भी मुझे सोचा, जो भी मेरे मुँह में आया मैंने बोल दिया. उसके बाद दूसरे दिन मैंने सोचा कि यार ये भी मुझे बोलना चाहिए था, ये पॉइंट की बात थी यार, ये सच बात थी. तो फिर मुझे लगता है कि मैं वो चेंज करूँ, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है मुझे वो चेंज करूँ ऐसा लगता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड लिव एनी वेयर वॉट वुड इट दैट बी? तो लिव एनी वेयर का मतलब मैं कहाँ रह सकती हूँ, मतलब मेरा सपना क्या है, कहाँ पे रहना है मुझे. तो मुझे ना कम से कम लाइक फॉर ओनली टू डेज, अगर दो दिन भी मुझे पुणे में रहने मिलेगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी. मुझे पुणे में रहना है एक बार, मुझे एक्सपीरियंस करना है पुणे कैसा है. एंड यू नो व्हाट, पुणे में मेरी एक फ्रेंड भी रहती है और बहुत सारे मराठी सेलिब्रिटीज़ भी रहते हैं, तो मम्मा जी लो उसके आगे क्या बोलूँ मैं. तो यस, मुझे पुणे रहना है. ओके बिगन ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये हमारे तीन आज के मतलब गूगल के तीन आखिरी क्वेश्चन हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर बीन इन द स्नो? इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, नो. मैं कभी भी स्नो में नहीं गई हूँ, और मेरे ख्याल से मुझे पता है कि सिर्फ कश्मीर में ही स्नो पड़ती है, कश्मीर में ही एप्पल्स ग्रो होते हैं, तो उतना मुझे बेसिक से पता है. और मुझे पता नहीं और कहाँ का होते हैं, आई नो हिमालय और बाकी सब कुछ पता है, लेकिन परफेक्टली नहीं पता कि वहाँ पे स्नो है भी या नहीं भी. तो ओके नो, मेरा आंसर नो है इसके लिए. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है. ओके तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे बिगन करते हैं हम लोग. हु वुड बी योर आइडियल पार्टनर? तो वो तो मैं अभी बता नहीं सकती, मतलब अभी जो मेरी सोच है वो अलग है, मेरी सोच कम है अभी, और बड़े होने के बाद मेरी कोई और सोच होगी कि मेरा आइडियल पार्टनर कैसा होना चाहिए, मतलब ना आइडियल पार्टनर. तो मेरी सोच बड़े होके बड़ी हो जाएगी, मेरी सोच अलग हो जाएगी, अभी जितनी है उससे अलग हो जाएगी, या फिर सेम ही रहेगी, बट यू नो ऐसा होता रहता ना, अलग अलग होती रहती है बड़े. तो उसका आंसर भी मेरे पास नहीं है, तो ये क्वेश्चन स्किप कर दें. ओके तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, गूगल वाला क्यूएनए का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्यूएनए का गूगल का लास्ट क्वेश्चन है. क्यूएनए का मैं शाम को रिकॉर्ड करूँगी और फिर आप लोगों को देखने मिल ही जाएगा. ओके तो लास्ट क्वेश्चन ये है, डू यू स्टिल हैव योर चाइल्डहुड टेडी बियर? तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आई हैव माई चाइल्डहुड टेडी बियर. और इसका मतलब ना, जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो मुझे मेरी फ्रेंड की मम्मी ने टेडी बियर गिफ्ट में दिया था, लेकिन तभी मेरी फ्रेंड पैदा नहीं हुई थी, मुझसे भी छोटी है मेरी फ्रेंड, लेकिन मुझे छोटे बच्चे पसंद है. तो यहाँ और दीदी वगैरह हम लोग ऐसा करते नहीं, तो वो मुझे डायरेक्टली मेरे नाम से बुला लेती है. और ठीक है, तो मेरे पास चाइल्डहुड टेडी बियर है मेरा अभी भी तक, और उसकी हालत अब आप लोग सोच रहे होंगे उसकी हालत तो बिल्कुल ख़राब होगी, पता नहीं कहाँ कचरे के डब्बे में पड़ा होगा. तो ऐसा नहीं, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब जैसे वो पास्ट में था जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, लाइक एक साल की भी नहीं थी, अभी भी वैसा ही है वो.
बस यही फर्क हो गया है कि मैं जब एकदम छोटी थी तो मेरी हाइट छोटी सी थी, मैं इतनी बच्ची सी थी, और फिर वो टेडी बियर मुझसे तो बड़ा था, तो मुझे लगता था कि इतना बड़ा टेडी बियर है मेरे पास, और बड़े होकर भी ये मेरा लाइक यू नो ये मेरी ड्रीम टूटी नहीं कि भाई मेरे पास छोटू सा है। और जब बड़े होकर मैंने देखा तो उसे मैंने बोला छोटू सा कैसा है, बड़ा चाहिए है ना। तो बस उसमें मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, अब वो क्लियर हो गया है। तो मेरे पास है मेरा अभी तक चाइल्डहुड का टेडी बियर, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हालत में है, बुरी हालत में नहीं है वो, और अभी भी मैं उसके साथ खेलती हूँ। फिलहाल तो मैं नहीं खेलती क्योंकि वो ऊपर सब पड़े हुए हैं मेरे यू नो वाले डस्ट पे, तो वो अच्छे से सील्ड पैक्ड है ऊपर मेरे माले पे, तो वो भी तो मैं फ़िलहाल नहीं खेल रही हूँ, लेकिन है मेरे पास। और मैं खेलती भी हूँ कभी कभार, जब टॉयज़ भी ना मेरी मम्मी निकालती है, मेरे पास अपने चाइल्डहुड के सारे टॉयज़ है, बस एक दो सॉफ्ट टॉयज़ नहीं क्योंकि वो यू नो ख़राब हो गए थे तो फेंक दिए मम्मी ने। तो या आज के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं गूगल के, हम लोग बाद में बढ़ेंगे एंड बाकी सारे क्वेश्चंस पे, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मुझे अच्छे लगे क्योंकि पर्सनली मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मुझे अच्छा ही लगता है। तो आई होप आपको ये रिकॉर्डिंग पसंद आई होगी। तो अब आप लोग दूसरी रिकॉर्डिंग जाकर देख लो, अभी तक रिकॉर्ड हुई नहीं है लेकिन वो एडिटिंग की वजह से आप लोग को दिख जाएगी। तो या प्लीज़ गो ऑन टू द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ के सारे ही क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि ये गूगल के जनरल क्वेश्चन थे और मैंने बस इतने जस्ट फॉर फन लिया था, तो इतने अमेजिंग भी नहीं थे ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने दूसरे क्वेश्चन भी ढूंढे थे लेकिन यू नो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, जो भी मतलब वो ऐसे क्वेश्चन थे जिनके पास मेरा मतलब उन क्वेश्चन से मेरे पास आंसर ही नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चन थे मतलब बड़े लोगों के लिए वो क्वेश्चंस थे, तो मैंने अपने हिसाब से गूगल से चूज़ कर लिए कुछ इतने क्वेश्चंस। तो या और एक क्वेश्चन हमें स्किप भी करना पड़ा क्योंकि वो आइडियल पार्टनर का था। तो या ठीक है, अब आप लोग जाके दूसरी रिकॉर्डिंग देख लो, और मुझे वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड या लेट्स गो। मतलब आप लोग जाओ भी, मैं तो वो रिकॉर्ड करूँगी, फिर एडिट करूँगी, फिर अपलोड करूँगी। एंड एक सीक्रेट की चीज़ बताओ गया, तो एक्चुअली मैं ये वीडियो जल्दी शूट कर रही हूँ, जल्दी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गई है, और ये ऐसा आई थिंक तीसरी या चौथी बार हो रहा है पोस्टपोन्ड, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम 2020 से पोस्टपोन्ड हो रही है, तो नॉट अ बिग डील। बट या ये वीडियो जल्द से जल्द अपलोड होने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे एक और वीडियो शूट करना है अपने इट्स निहारिका चैनल के लिए। तो आप लोग रेडी हैं इट्स निहारिकंस और इट्स सिंपली निहारिका? तो ठीक है, मैं अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी इस पर, क्योंकि यू नो अभी मैंने मेरा दूसरा चैनल चालू कर दिया तो होता रहता है, तो मैं बकवास बंद करती हूँ। एंड आप लोग प्लीज़ जाके वो वाली रिकॉर्डिंग देख लो, एंड बाय बाय। ओके सो गाइज, आप लोग दूसरी रिकॉर्डिंग देखो क्यों मैंने, कि उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। तो इट्स अगर आप लोग इट्स निहारिका चैनल से हो, यानी आप लोगों ने मेरे इट्स निहारिका चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आप लोगों को इसे सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि क्यों मैंने का जो दूसरी रिकॉर्डिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, तो आप लोग स्किप करके आगे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप लोग इट्स सिंपली निहारिका के सब्सक्राइबर्स हो तो प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताना है आप लोगों को। तो अगर सुनना है इट्स निहारिका कंस को भी तो आप लोग सुन सकते हो, इट्स निहारिका चैनल वाले और दोनों भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो प्लीज़ और इट्स सिंपली निहारिका के चैनल सब्सक्राइबर्स प्लीज़ आप लोग स्किप मत करना, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। तो सॉरी कि मैंने आप लोगों को कहा था 2020 के अपने लास्ट वीडियो में कि मैं एक स्कूप सॉन्ग अपलोड करूँगी एंड वो सब कुछ, तो मैंने वो शूट किया था, अपलोड भी मतलब मैं करने वाली थी, लेकिन मेरा मोबाइल बताइए आप लोगों को कितना ख़राब है, तो वो हैंग हो गया, और फिर जब वो हैंग से बाहर निकला तो रिकॉर्ड डिलीट हो गई थी, मतलब जितने मैंने छोटे छोटे शॉट्स किए थे यू नो वो सब कुछ डिलीट हो गए थे, मतलब मेरे एडिटिंग के ऐप में थे, तो इसीलिए मेरे पास उसकी कुछ रिकॉर्डिंग थे, क्योंकि जब वो एडिटिंग के लिए मैंने रखे थे सारे रिकॉर्डिंग्स अपने ऐप में एडिटिंग के लिए, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स डिलीट भी कर दी थी, क्योंकि यू नो मेरा स्टोरेज ज़्यादा बढ़े ना तो मैं करती रहती हूँ डिलीटिंग, तो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स मैंने डिलीट कर दी थी और मेरे पास आधी ही रिकॉर्डिंग्स है। एंड अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं फिर से रिकॉर्ड करूँ एंड वो सब करूँ, तो उसके लिए सॉरी, हमारा स्कूप सॉन्ग नहीं आएगा लेकिन वीडियो ज़रूर आएंगे मेरे लेटेस्ट, तो आप लोग इसके लिए ज़रूर देखना, राह देखना मेरी। तो
सॉरी वंस अगेन, नहीं आ पाया वीडियो. और मेरा एक अनबॉक्सिंग का वीडियो भी आने वाला है अपने इट्स सिंपली निहारिका चैनल पे, तो आप लोग उसे ज़रूर देखना. और वो मैंने 2020 में ही शूट करके रखा था, और वो एक घड़ी की अनबॉक्सिंग थी, वो अमेज़ॉन से मुझे मिली थी, डिलीवर हुई थी, और उसी दिन मैंने रिकॉर्डिंग की. अब वो घड़ी मेरे पास है तो, बट टूट गई है, लेकिन उस दिन वो नहीं थी, तो आप लोग से देख सकते हो. तो जल्दी मैं उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए, लेकिन शुरू भी हो सकती है, पता नहीं. तो या मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी वो वीडियो. तो या वैसे मुझे एडिटिंग में बहुत कंटाला आता है, तो मैं थोड़ी आलस कर रही हूँ एडिटिंग में, तो उसके लिए सॉरी. लेकिन अब मैं एकदम जोश में हूँ, तो ठीक है. या आप लोग अब रिकॉर्डिंग एंजॉय कर सकते हो. हेलो गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट क्लिप. एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लिप में कहा था, यानी दोपहर को कहा था, तो ये एक ही दिन की शूटिंग है, बस क्लिप्स अलग अलग है. वो दोपहर की थी और ये शाम की है, तो ठीक है. हम लोग मैंने दोपहर को बस फन के लिए गूगल के क्वेश्चंस लिए थे, एंड उसका आंसर भी मैंने दिया था. एक क्वेश्चन स्किप भी हो गया था क्योंकि वो सब मैंने बता दिया, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वापस से. तो अभी मेरे पास कुछ इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस है इसमें, तो मेरे पास कुछ इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस है, तो हम लोग उसे देखते हैं. और बहुत से लोगों ने पूछा है, और एक मैंने भी पूछा है अपने आप को ही, एंड ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ती हूँ. तो मेरा क्वेश्चन क्या है, तो चलो लेट्स बिगिन. ओके सॉरी, तो यहाँ पे मैंने बस एक ऐसी बॉटल रखी हुई थी, सॉरी उसका आवाज़ था, नो प्रॉब्लम. मैं इसे बाजू में हटा देती हूँ, ज़रूरत नहीं मुझे. तो ठीक है, मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ. तो चलो, सो गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने खुद से पूछा है, एंड ये पूछा है मैंने कि मेरे आप लोगों को यहाँ पे इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दिया होगा मैंने. तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से ही मेरा है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर? तो ये क्वेश्चन मैंने खुद से ही पूछा हुआ है, एंड गैस मैंने खुद से पूछा हुआ है क्वेश्चन. तो व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर? तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर है. तो इसमें कुछ अंश छुपे हुए हैं, तो मैंने बस जस्ट फॉर फन पूछ लिया था, क्योंकि किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं था. तो मेरे मोबाइल नंबर ये है, तो मैं बता देती हूँ. तो कुछ लास्ट के कुछ दो नंबर छुपे हुए, आप लोग गेस कर सकते हो कि लास्ट के दो नंबर क्या है, और फिर कर लो मुझे कॉल. हर एक नंबर लगा कर देख लेना, 2412 का कुछ भी लगा कर देख लेना, लास्ट के दो नंबर. तो ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मुझे और लोगों ने पूछा है. तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछा है बबड़िया 7038 ने, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख ही रहा होगा आप लोगों को. तो यहाँ पे उसने मुझे पूछा है, इन्होंने पूछा है मुझे कि एनी क्रश फ्रॉम क्लासरूम. तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है, बट स्टिल नो, द आंसर इज़ नो नो नो. तो ओके, इसका सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका जवाब भी सिंपल सा ही था, तो आंसर इज़ द नो वन. एंड अगर आप लोगों को कोई आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड वगैरह की, तो प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि घर है तो शोर तो शराबे होते ही रहते हैं, तो सॉरी फॉर इट. एंड बैकग्राउंड अच्छा है इस वक्त, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज बहुत बुरी है. तो ठीक है, तो दिस आंसर इज़ नो. या एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मुझे बबड़िया 7038 ने और भी क्वेश्चन पूछे, तो मैं उसी से कंटिन्यू करती हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू थिंग यू लर्न इन लॉकडाउन? तो न्यू थिंग ऐसा नहीं, मतलब मैंने कोई न्यू थिंग लर्न नहीं है, मतलब आई डिडंट लर्न एनी न्यू थिंग इन लॉकडाउन. लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ का शौक ज़रूर चढ़ा था, क्राफ्ट एंड आर्ट करने का. और लॉकडाउन में स्टेशनरी खुली थी, थैंक गॉड. तो मैंने बहुत सारे स्टेशनरी के पेपर मंगवाए, एक बंच वाइट पेपर का, एक बंच कलर पेपर का, और ओरिगामी पेपर एंड ग्लू वगैरह सब कुछ मंगा लिया मैंने. तो बस मैं वही कर रही थी लॉकडाउन में, मैंने कुछ न्यू नहीं सीखा, बट वो क्राफ्ट एंड आर्ट में करने लग गई थी. तो क्या इसका आंसर? यस नो, ऐसा कुछ है. तो ठीक है,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने मुझे बोला है कि नो क्वेश्चन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी. येस आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मुझे नहीं आता वो बोलने, मैं भूल गई. तो मैं अपने स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ क्योंकि मैं कल पूरे दिन स्टडी कर रही थी, यानी शाम के टाइम पे, बिकॉज मम्मी को मेरे कल टाइम नहीं था. तो मैं शाम को स्टडीज कर रही थी क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स आने वाली है. तो यस आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई स्टडी, तो यही जवाब है. एंड फिर से इन्होंने पूछा है मुझे क्वेश्चन, तो टेल मी अबाउट योर क्रश. तो मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था मैंने कि आई डोंट हैव एनी क्लासरूम क्रश और आई डोंट हैव एनी नॉर्मल क्रश. जैसे देख लिख मैं क्या कोई आप लोगों को 20 साल की औरत लगती हूँ या फिर यू नो टीनेज लगती हूँ मैं आप लोगों को? ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दिस क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पीपल यू हेट मोस्ट. तो पहले ना ये PPL है ना मुझे समझ नहीं आता, तो मैंने उन्हें DM किया और पूछा कि वॉट इज़ दिस PPL. तो उन्होंने कहा पीपल, और फिर मैंने और उनका जवाब आने से पहले मैंने बोल दिया कि आप लोग कोई आप कोई दो और क्वेश्चन पूछो क्योंकि उनके सिर्फ चार ही क्वेश्चन थे. यू नो मतलब ऐसा कुछ हुआ था कन्वर्सेशन हमारे बीच में कि आप लोग इसकी जगह कोई और क्वेश्चन पूछो, और उससे पहले इनका जवाब आ गया था कि पीपल. तो ठीक है मैंने कहा कि ये भी ले लेते हैं हम लोग, समझ आ गया मुझे इसका मीनिंग. तो यस तो इसका है विच टाइप ऑफ पीपल यू हेट मोस्ट. तो ऐसा नहीं है कि मैं सब लोगों को हेट करती हूँ और खुद को ही पसंद करती हूँ यू नो, लेकिन मैं उन पीपल को हेट करती हूँ यू नो जो लोग ओवर स्मार्टगिरी करते हैं और फिर यू नो खुद ही उनका पोपट हो जाता है. मैं इन लोगों को हेट करती हूँ. एंड जो लोग मतलब जिनको कोई भी काम नहीं होता और जिनको सब कुछ इजी लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ मुझे एक हेट कमेंट आया और मतलब बहुत सारे हेट कमेंट्स आए, तो वो मीन कमेंट होते हैं. और आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे मीन कमेंट्स या फिर हेट कमेंट्स के. तो मीन कमेंट्स का मतलब होती है अपने मतलब अपना मतलब कहते हैं ना हम लोग क्या कहते हैं उसे मुझे याद नहीं आ रहा. तो हाँ मीन कमेंट्स होता है वो अपने 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 स्वार्थ के लिए होता है वो कमेंट्स. और हम जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें वो दिखती नहीं, उन्हें लगता है कि सब कुछ इजी है, तो वो उसे मीन कमेंट कहते हैं. तो आई डोंट लाइक दैट पीपल्स, क्योंकि मतलब यार एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो फिर इन लोगों को अपने खुद के मीन कमेंट्स क्यों देने हैं? ऐसे पीपल बहुत ही बेकार होते हैं. आज तक मैंने किसी को हेट कमेंट नहीं किया है, तो आई एम गुड इन मेरी नज़र में मैं बहुत अच्छी हूँ. तो हर किसी की नज़र में वो अच्छा ही इंसान होता है, तो ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन मुझे सेम आईडी ने बोला है, पूछा है, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये आईडी का, और क्वेश्चन दो तीन. तो है विच टाइप ऑफ पार्टनर यू वॉन्ट. तो मैंने ये दोपहर को भी कहा था गूगल की मदद से, मतलब गूगल ने भी यही कुछ सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था. मतलब सेंटेंसेस अलग थे बट मीनिंग सेम ही था. तो यू नो बड़े होके मेरी सोच और बढ़ेगी और अलग हो जाएगी. अभी मेरी जो सोच है वो अलग है और बड़े होके जो सोच होगी वो अलग होगी. तो अभी मैं कुछ कन्फर्म बता नहीं सकती, तो सॉरी. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर हॉबीज. तो आई लव सिंगिंग, आई लव स्केटिंग. स्केटिंग मेरी हॉबी इसलिए क्योंकि यू नो मैं स्केटिंग के लिए जाती थी स्कूल में, जब फोर्थ स्टैंडर्ड तक हमें हॉबीज थी फर्स्ट टू फोर्थ. तो फोर्थ में मैंने स्केटिंग ज्वाइन किए थे और फिर स्केटिंग यू नो मैं हर सैटरडे हॉबी के लिए जाती थी स्कूल में. तो यस स्केटिंग इज़ माई हॉबी. स्केटिंग, सिंगिंग, डांसिंग लिटिल बिट ऑफ, एंड और क्या भाई, और ड्राइंग. यस ड्राइंग भी. तो ठीक है बहुत सारी हॉबीज़ हैं मेरी, लेकिन कुछ कुछ मुझे ज़्यादा आती है और कुछ कुछ मैं कच्ची हूँ कुछ कुछ हॉबीज़ में. तो ठीक है. तो यस इनके क्वेश्चन हो गए सी आई डी के क्वेश्चन. तो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आई डी क्वेश्चन. तो यस नेक्स्ट आई डी के क्वेश्चन पर हम जाते हैं. तो यह क्वेश्चन मुझे पूछा है हर्षु पाए 877 ने. तो उन्होंने भी मुझे सेम क्वेश्चन पूछा है मराठी में, तुझी फेवरेट हॉबी. तो बता दिया मैंने, पर ठीक है मी परत सांगते. माय फेवरेट हॉबी इज स्केटिंग, डांसिंग लिटिल बिट ऑफ, सिंगिंग, एंड और क्या था चौथा, क्या
एंड ड्राइंग ड्राइंग ठीक है, मेरी हॉबी इतनी है। तो ये मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी के मतलब इन्हें पता होगा आई थिंक, क्योंकि आई थिंक ये भी फैन होंगे उनकी। तो इन्होंने पूछा है कि ओके, तो मैं इसका मिशन का नाम नहीं लूँगी, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा तो उसी से समझ जाना। तो यहाँ पे उन्होंने मैम की जगह मैन लिख दिया है, तो थोड़ा गलत हो जाता है, लिव लिखा है। तो इन पुणे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तुम, ये वीडियो पकता है तो इन पुणे होने। तो मैं सब लोगों को ये रिकॉर्डिंग के बाद मैं सब लोगों को डीएम करके बोलने वाली, जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछा है कि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इस यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर देखना अगर आप लोग देख रहे होंगे तो। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मेरा ये तो मैंने अपने क्वेश्चन से शुरू किया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है, तो हमारे ये दो आखिरी क्वेश्चन है आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है श्रुति 275 ने, तो पूछा है ओके, तो ये भी मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में पूछा है। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मैं कुछ नहीं कर सकती इसका, बस दूर से बोल सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती मैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन यू नो पढ़ लो खुद ही से। फेवरेट पिक, तो फेवरेट पिक आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगी, तो देख लेना आप लोग। फेवरेट पिक यही है मेरी लेटेस्ट की। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड आज की आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग मूविंग ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, योर फेवरेट कलर। तो मेरा वन एंड ओनली रेड फेवरेट कलर है, मतलब मैं हर कलर के कपड़े खरीदती हूँ, लेकिन मुझे हर कलर पसंद भी आता है, लेकिन मेरा फेवरेट कलर रेड ही है। तो ठीक है, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि भाई इसके पास रेड कलर के तो बहुत ही ज़्यादा कम कपड़े हैं, लेकिन फिर भी रेड रेड बता दिया इसका फेवरेट कलर। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि यू नो मैं रेड कलर के कपड़े ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इन कलर रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो या जवाब यही है, ठीक है ना। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज एंड यस, तो यस सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। हेलो गाइस, सो आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को मैंने का पार्ट टू चाहिए। अगर चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा अभी तक कम्युनिटी टैब यू नो अनेबल नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बस वीडियो के द्वारा ही कह सकती हूँ कुछ भी, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह करनी होगी तो शॉर्ट्स के द्वारा। तो इसीलिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर आप लोग को भी ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछने हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है। तो ठीक है, आप लोग ज़रूर मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे एंड या। और वीडियो अभी तक एंड नहीं हुई है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये कहती तो रहती है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो है कहाँ? तो इसका सिंपल सा जवाब मैं आप लोगों को अभी देने वाली हूँ, तो देखते रहिए। तो आप लोगों को यहाँ पे ये वीडियो की क्लिप दिख जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, तो मैं अपने चैनल का ही दिखा रही हूँ, मैं दूसरे का क्यों दिखाऊँ। तो ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि यू नो सबसे पहले आप लोगों को कोई और ऐप यू नो नज़र आएगा। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जाना है, मतलब आप लोगों को रिकॉर्डिंग दिख ही रही होगी यहाँ पे यूट्यूब पे। तो यू नो ठीक है, एक एक जस्ट अ मिनट। हाँ ओके, तो बीच में मुझे कॉल आ गया था, वो स्कैम कॉल्स होते हैं, तो मुझे वो आ गया था। सो एक ही मिनट है, एक मिनट। तो आप लोगों को दिख ही जाएगी वो क्लिप, बस मुझसे थोड़ी सी गलती सी यू नो हो गई है। तो ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। तो एक एक जस्ट मिनट ओके, तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, तो हेलो गाइस, आप लोग का अब रिकॉर्डिंग शायद दिख जाएगी। तो यस, मैं ऑन कर रही हूँ। यस, तो आई एम ऑनिंग इट। तो यस, तो सबसे पहले हमें जाना है इसमें
लाइक इसमें ही जाना है, तो आप लोग मेरी वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, लाइक मैं किन किन की वीडियोस देखती हूँ, लाइक प्लीज़, ठीक है, यू नो। तो सबसे पहले आपको जाना है सर्च में, और उसके बाद इस पर भी इग्नोर कर दो सर्च पे, ओके। तो अब मैं अपने चैनल का नाम टाइप करूँगी, यस आ गया, मैं कितनी पॉपुलर हूँ यार, मैं मेरे दोनों चैनल्स का नाम आ गया, तो यस आ गया है। तो मैंने खुद के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो यस। वैसे भी आप लोगों ने मेरे ये सब शॉर्ट्स देखे नहीं हैं, मैं देख रही हूँ सब कुछ, तो इसके बाद आप लोग कोई भी मेरे वीडियोज़ में चले जाओ, तो ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ यार इसके बीच में, ओके फाइन। तो हम लोग चलते हैं इस वीडियो में, क्लोज दैट आई एम रिग्रेट बाइंग, तो यू नो पहले का वीडियो है ये, तो मैं इसकी आवाज़ बंद कर देती हूँ, मैंने कॉपीराइट हो जाएगा। एंड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कैसे गई, तो आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक की यहाँ पे छोटा सा यू नो एक एरो दिख रहा होगा नीचे जाने का, तो उस पर क्लिक करो, और मतलब क्लिक करो यार प्लीज़, हाँ क्लिक हो करो। अब ये यूट्यूब अपडेट हो गया, तो ऐसा ही आएगा कुछ लिख कर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या लिखा है, आई होप यू एन्जॉय द वीडियो गाइज, लेट्स गेट दिस वीडियो अ लाइक शेयर एंड वन बिग सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। तो समझ ही करेंगे आप लोग कि कैसे पहुँचना है, तो अब वीडियो बंद करो भाई, मतलब ठीक है मैं इतनी बकवास कर रही हूँ ना इस वीडियो में, फाइन, क्योंकि मुझे तो बकल नहीं थी, तो यस। तो हम इस वीडियो को पॉज करेंगे यहाँ पर, तो ठीक है हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, एंड आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक कैसे पहुँचना है, तो यस। एंड अब प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, मैंने ये क्लिप जो है ना वो जानबूझ के रिकॉर्ड की है, ताकि आप लोग फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं करते, आप लोग को पता नहीं होता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, कैसे है, किधर है, कहाँ से ऑन करना है, ओपन करना है, कुछ नहीं पता होता आप लोगों को, तो आप लोग यू नो कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो क्या करना है, कैसे करना है, मैं जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर भी हम जा नहीं पा रहे, तो इसीलिए मैंने ये बता दिया। तो आप लोगों को आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, एंड या मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर 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 फॉलो करना, मेरी न्यू आईडी है ये वाली, क्योंकि मेरी पुरानी मेरी मोबाइल की आईसी यू नो चली गई थी, तो मोबाइल रिपेयर होकर आ गया, तो बैकअप तो व्हाट्सअप का ही रखा हुआ था, एंड यू नो फ़ोन कॉल्स का इंस्टाग्राम पे बैकअप नहीं हो पाया, तो मेरी आईडी चली गई, एंड व्हाट, तो मैंने न्यू आईडी खोली है, एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर DM करना कि अगर आप लोगों ने मुझे यूट्यूब के द्वारे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, थैंक यू सो मच अगर फॉलो किया है तो। एंड और क्या, मैं और बहुत सारे लेटेस्ट वीडियोज़ ले आने वाली हूँ, तो मैं अभी दो वीडियोज़ के लिए प्लान कर रही हूँ, तो उनमें से एक चैलेंज वीडियो है एंड दूसरा एक गेम वाला वीडियो, जिसके लिए मैं आज एनवेलप्स लेकर आई हूँ, तो वो वीडियो यूट्यूब के लिए नहीं है एक्चुअली, गेम वाला वो मैं खुद के मतलब मुझे कुछ खेलने के लिए होता ही नहीं है, सॉरी कुछ आएगा अभी, ओके। तो मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी मैं अपने इस मोबाइल पे सेंड करूँ, ताकि यू नो एडिटिंग में मैं डाल पाऊँ, ओके। तो ठीक है, मैं वो एक गेम वीडियो है, तो मैं मुझे खेलने के लिए पर्सनली मुझे खेलने के लिए कुछ चाहिए होता है, मैं दिन भर खेलने दो मांगती रहती हूँ, तो वो मैं एक गेम बनाने वाली हूँ, लेकिन यू नो मुझे ना अपोजिट टाइमिंग सूझ नहीं रहा उसका, तो मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी, मतलब बहुत दिन बाद बनाऊँगी मैं, तो देरी से आएगा वो वीडियो, तो वो वीडियो मैं जस्ट फॉर फन बनाने वाली, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसके एंड में अगर मैं पहुँच भी गई तो मैं प्राइस क्या रखूँगी, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कब से, तो यू नो मुझे वो अभी सोचना है, एंड मैं एक चैलेंज करने वाली हूँ, तो वो चैलेंज आई डोंट नो कि किसने किया होगा किसने नहीं किया होगा, बट मैं करने वाली हूँ, और ये चैलेंज अगर आप लोग को देखना है तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कहना कि तूने इसकी कॉपी की, तूने उसकी कॉपी किया, फिर तू यू नो ऐसा कुछ भी, तो मैंने किसी की भी कॉपी नहीं किया, तो पिछले साल से मेरे दिमाग में यही हो रहा है, पिछले साल से नहीं यार मतलब 2019 से, लाइक सीरियसली आई स्वेयर सीरियसली मैं 2019 से मतलब 2019 या 20 मुझे पता नहीं, लेकिन आई स्वेयर कि मैं कब से सोच रही थी वो, तो 2019 और 20 से मैं सोच रही थी कि मैं यू नो ये चैलेंज करूँ, और मैंने चैलेंज वीडियो शूट भी किया था ये वाला, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बकवास शूट हुआ था, एंड मैंने अपने इट्स निहारिका चैनल के लिए खासकर शूट किया था, ताकि मैं वेलकम बैक कह सकूँ अपने चैनल को एक अच्छे चैलेंज के द्वारा,
लेकिन फिर वो वीडियो इतनी बेकार सी आई थी और फिर मेरा एडिटिंग का मन ही चला गया, तो फिर यू नो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी अपनी गैलरी से। एंड फिर तो ठीक है, मैं वो वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। एंड वो खास इट्स सिंपली निहारिका चैनल के लिए ही होगी। एंड इट्स सिंपली निहारिका चैनल के लिए, जैसे कि मैंने कहा था उस छोटी सी क्लिप में जो कि थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने ज़रूर ये कहा था कि मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड करने वाली हूँ घड़ी का, अपनी न्यू घड़ी का जो कि मुझे अमेज़ॉन से रिसीव हुई है, और उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है मेरी वजह से। मतलब मैंने ही उसे पहनते पहनते से ना उसका इलास्टिक ही तोड़ दिया था, तो मतलब अगर उसके डैमेज हो जाती अंदर तो वो ठीक हो जाती, लेकिन इलास्टिक ही टूट गया तो कैसे ठीक होगी ना, तो इसलिए वो ना पड़ी हुई है। एंड सॉरी, मैं बकवास कर रही इतनी सारी, लेकिन येस एंड आई डोंट नो कि मैं वीडियो कब अपलोड करूँगी। मेरे मोबाइल का चार्जिंग कितना है, 77% है आई थिंक, एडिटिंग इसमें हो जाएगी, तो येस तो मैं कल परसों से अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको पता नहीं कि आज कौन सा डे है, तो आज है मंडे और आज है 1st of Feb। वाह 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 वाह, तो 1st of Feb को मैं शूटिंग कर रही हूँ, और आई थिंक मैं 3rd, 4th, 5th, 6th of Feb को अपलोड कर दूँगी वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी इंसान हूँ और फिर वीडियो अपलोड होने में इतना वक्त लगता है ना, अब नहीं लगेगा, अब बस पूरा नेटवर्क है तो ठीक है ना, तो ठीक है। एंड बाय बाय हम कह लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर चुकी एंड बकवास भी कर चुकी हूँ, तो ठीक है अब हम लोग बाय बाय कहते हैं एक दूसरे को। एंड अगर आप लोगों को Q&A पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी या फिर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मतलब अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो बताना कि क्या वीडियो में कमी रह गई थी, अगली बार मैं उसे पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और मुझे यू नो मोटिवेशन देना और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए Q&A के। एंड Q&A पार्ट 2 अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर से कह रहे हो, अगर जिन लोगों ने वीडियो स्किप किया होगा कि आप लोग मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यूट्यूब पे मेरी कम्युनिटी पोस्ट यू नो अनेबल नहीं है, 1K सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे, तो इंस्टाग्राम पे ही मुझे वो सब पोलिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आईडी क्या करनी है भाई आप लोगों को, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की रिकॉर्डिंग मैंने दिखा दी है तो फिर से नहीं दिखाऊंगी मैं, क्योंकि एडिटिंग भी उतना वक्त जाता है भाई, तो अगर आप लोगों ने बीच का वीडियो स्किप कर दिया होगा ना तो जल्दी से जाके वो पीछे जाके देख लो वो वीडियो, वो क्लिप मतलब वो छोटी सी क्लिप जो है वो जल्दी से जाके पीछे देख लो, वरना फिर मुझसे मत कहना कि हमने दिखाया ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए प्लीज़ देख लेना ज़रूरी। देख रहे हो आप लोग, सी ये रिकॉर्डिंग वही है, तो ठीक है मैंने उसने ऑन जानबूझ के किया है, देखना है कि मैं भी कैसे रिकॉर्डिंग करती हूँ। ओके फाइन, तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो आप लोगों को पता ही आप लोगों को क्या क्या करना है। एंड अगर चैनल पसंद आए, मतलब अगर ये वीडियो पसंद आया और चैनल आप लोगों को मेरा मतलब अगर ये वीडियो नहीं पसंद आई तो ठीक है बता दो मुझे वैसा कमेंट सेक्शन में, और बताना कि क्या कमी रह गई थी वीडियो में। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, और हाँ मेरी दोनों चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये वीडियो दोनों चैनल पे अपलोड होने वाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट्स निहारिका चैनल पे इट्स निहारिका की लिंक है एंड यू नो एक ही लिंक डाली है मैंने वीडियो मतलब अपने चैनल की, तो दोनों चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आई विल मीट माई बोथ चैनल्स वेरी वेल सून, टिल देन टेक केयर एंड Bye. तो यस, तो सबसे पहले हमें जाना है इसमें ही जाना है, तो आप लोग मेरी वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, लाइक मैं किन किन की वीडियोस देखती हूँ, लाइक प्लीज़ ठीक है यू नो, तो सबसे पहले आपको जाना है सर्च में, और उसके बाद इस पर भी इग्नोर कर दो सर्च पे। ओके तो अब मैं अपने चैनल का नाम टाइप करूँगी, यस आ गया, मैं कितनी पॉपुलर हूँ यार, मैं दोनों चैनल्स का नाम आ गया, तो यस आ गया है, तो मैंने खुद के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो यस मतलब आप लोगों ने मेरे ये सब शॉर्ट्स देखे नहीं हैं, मैं देख रही हूँ सब कुछ, तो इसके बाद आप लोग कोई भी मेरे वीडियोज़ में चले जाओ, तो ठीक है मैं क्या कर रही हूँ यार उसके बीच में। ओके फाइन,
तो हम लोग चलते हैं इस वीडियो में क्लोज दैट आई एम रिग्रेट बाइंग. तो यू नो पहले का वीडियो है ये, तो इसकी आवाज़ बंद कर देती हूँ, मैंने कॉपीराइट हो जाएगा. एंड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कैसे गई, तो आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक के यहाँ पे छोटा सा यू नो एक एरो दिख रहा होगा नीचे जाने का, तो उस पर क्लिक करो और मतलब क्लिक करो यार प्लीज़, हाँ क्लिक हो करो. अब ये यूट्यूब अपडेट हो गया तो ऐसा ही आएगा कुछ लिख कर. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या लिखा है, आई होप यू एन्जॉय द वीडियो गाइज, लेट्स गेट दिस वीडियो अ लाइक शेयर एंड वन बिग सब्सक्राइब एंड बेल आइकन. तो समझ ही करेंगे आप लोग कि कैसे पहुंचना है. तो अब वीडियो बंद करो भाई, मतलब ठीक है मैं इतनी बकवास कर रही हूँ ना इस वीडियो में फाइन, क्योंकि मुझे तो पकड़ नहीं थी. तो यस तो हम इस वीडियो को पॉज करेंगे या?